First wave. Kilogram or pound? In pounds. Truck number. 626. Company. Nishan Transport. Nishan Transport. Yes. Trailer. 5124. 5124. Yeah, that's right. Okay, pull off and come inside, please. Thank you. All right. अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रकिंग व्लॉग। काफी दिन से मैं व्लॉग नहीं शूट कर रहा। जो आप व्लॉग्स देख रहे हैं वो पहले बने हुए थे, तो मैं अपलोड कर रहा था। तो काफ़ी भाई कहते हैं कि आपकी जो आवाज़ की क्वालिटी है, जो आपकी आवाज़ की क्वालिटी, वो इतनी ठीक नहीं होती। बिकॉज मैं माइक यूज़ करता था, लेकिन माइक इसके अंदर होता था मेरे, मतलब शर्ट के अंदर वाली साइड में इसको हैंग करता था। लेकिन इसको अगर बाहर हैंग करूँ तो इतना अच्छा नहीं मुझे लगता, इस वजह से मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है। और आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज मैं जा रहा हूँ एलिनॉइस के शिकागो सिटी में जा रहा हूँ। 5 बातें थी जिनका मैं जवाब आज दे देता हूँ, उसके बाद अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी भाई पूछते हैं कि भाई आप कैनेडा में रहते हैं यूएस में रहते हैं? तो भाई मैं कनाडा में रहता हूँ, लंदन सिटी में मैं रहता हूँ। यहाँ से 2 घंटे की टोरंटो की ड्राइव है और 2 घंटे की विजिटर की ड्राइव है। तो यहाँ से मैं अपनी जॉब स्टार्ट करता हूँ। मीन्स ये कि मैं यहाँ से लोड पिक करता हूँ, यूएस जाता हूँ, वो लोड डिलीवर करके वहाँ से नया लोड पिक करके वापस कनाडा जाता हूँ। और बात नंबर 2 के काफ़ी भाई पूछते हैं कि आप वाशरूम कैसे यूज़ करते हैं ट्रक में। भाई वाशरूम नहीं है मेरे, तो हाईवे के ऊपर हर 15-20 माइल के बाद कोई ना कोई ट्रक स्टॉप आ जाता है, वहाँ रुक के हम आराम से रेस्टरूम यूज़ कर लेते हैं। और बात नंबर 3 कि भाई आप नमाज़ कैसे पढ़ते हैं ट्रक के अंदर। मैंने जानेमाज़ रखा हुआ है, तो जब भी नमाज का टाइम होता है, कई दफ़ा मैं जमा कर लेता हूँ नमाज़ बिकॉज सफ़र में होता हूँ। तो उसके अलावा ये है कि जो जहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ वो जगह पाक है। 5 मंथ हो गया मैं निशान में काम कर रहा हूँ इस कंपनी में, तो 5 मंथ से मेरे पास है ये ट्रक। कोई और ट्रक ये ड्राइव नहीं करता, तो मैं इसकी हर वीक में क्लिनिंग करता हूँ। और जो कारपेट मैंने अंदर बिछाया हुआ उसके अपने शूज़ लेके नहीं जाता, तो वो जो कारपेट है वो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर वॉश करवा लेता हूँ। बात नंबर 4 ये थी कि एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आपको पंजाबी बोलते शर्म आती है, और जितने भी पाकिस्तानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनको पंजाबी बोलते शर्म आती है तभी उर्दू बोलते हैं। तो भाई मैं बात क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर यहाँ पर किसी पंजाबी के साथ बात करें ना, तो वो हमसे टू बी ऑनेस्ट उर्दू में बात करेगा। मीन्स ये कि वो रिस्पेक्ट हमें देते हैं, हमारी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, राइट? तो पंजाबी बोलते मुझे शर्म नहीं आती। पंजाबी अगर आप कमेंट्स करेंगे, जो ज़्यादा कमेंट्स अगर होंगे पंजाबी में, जो भाई चाहते हैं पंजाबी में वीडियोस बनाओ, मैं बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बात नंबर 5 ये थी कि भाई आप कनाडा ट्रकिंग बेस पे आए हैं और कब से आप ट्रकिंग कर रहे हैं? तो मैंने 2020 में लाइसेंस किया था और 2021 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी। मतलब कि मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं ट्रकिंग करते हुए। और मैं ट्रकिंग बेस पे नहीं आया था कनाडा, मुझे मेरे मॉम डैड ने स्पॉन्सर किया था। करते हैं ये वाला ट्रिप स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया कि मैं शिकागो जा रहा हूँ, यहाँ से अब 8 घंटे की ड्राइव है। मुझे मॉल में डिलीवरी करनी है, तो शॉपिंग मॉल होता है ना, वहाँ मुझे जाकर डिलीवरी करनी है। 8 डिलीवरीज है मेरे पास, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिप। तो मुझे एक पेपर प्रिंट करवाना है, वो मैं सारनिया बॉर्डर के पास में एक ट्रक स्टॉप है वहाँ से पेपर
प्रिंट करवा लूँगा। पीटीआई मैंने सुबह कर ली थी अपने ट्रक ट्रेलर की, और अच्छी भली पीटीआई की थी, बिकॉज 16 से 18 तक इंस्पेक्शन आ रही है। इन डेट्स में जो पुलिस वाले और जो इंस्पेक्शन वाले हैं वो रोक रोक के ट्रक्स चेक करते हैं, तो ये कनाडा, मेक्सिको और यूएस तीनों कंट्रीज़ में ये इंस्पेक्शन होती है 16 से 18 तक, 16 मई से 18 मई तक। तो वैसे मैंने इंस्पेक्शन कर ली थी, सारा कुछ ओके है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा वॉकराउंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कोई टाइट हुई तो नहीं, पंचर हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं और मैं आपको जाके मिलता हूँ ट्रक स्टॉप पे, जहाँ से मुझे पेपर प्रिंट करवाना है। 2000 years later. काफी तेज हवा चल रही है, मैं रुका था इस ट्रक स्टॉप पे, पेट्रो का ट्रक स्टॉप है, छोटा सा ट्रक स्टॉप है, इतना बड़ा नहीं है, बीबीडी भी कह देते हैं इसको। तो ये गाइस छोटा सा ट्रक स्टॉप है, तो ये अपने पंजाबी भाई गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रक स्टॉप। ये सामने कॉफ़ी मेकर है, कॉफ़ी नहीं मुझे पीनी, ऑलरेडी मैंने पी ली एक दफ़ा। यहाँ से पेपर अपना करते हैं पिक और निकलते हैं, फिर यहाँ से 5 मिनट की बॉर्डर की ड्राइव है। तो यहाँ पे जो भाई जॉब करता है ना, वो जब भी कोई उसको ईमेल भेजता है तो ये पहले यहाँ पेपर प्रिंट करके रख देता है, ताकि किसी भी भाई का टाइम वेस्ट ना हो, जैसे ही कोई भाई आए पेपर पिक करने अपना। तो ये फ्री नहीं है, ये बीवीडी जिनके पास कार्ड है उनके लिए फ्री है, हर बंदे के लिए फ्री नहीं, हर बंदा यहाँ आके नहीं प्रिंट करवा सकता, बस वही करवा सकते हैं जिनके पास बीवीडी का कार्ड है, इस ट्रक स्टॉप का मतलब कार्ड है जिनके पास, बीवीडी ट्रक स्टॉप का नाम है। तो चलते हैं बॉर्डर करते हैं क्रॉस, मैं आपको आज दिखाऊंगा बॉर्डर, पहले भी जिन भाइयों ने देखा हुआ है फिर से बॉर्डर दिखाऊंगा, और चलते हैं ऑफिसर से करते हैं बातचीत। ये भाई अपना फ्यूल शूल भर रहा है, तो ठंड है, भाई ने जैकेट पहनी है, और हम टी शर्ट में घूम रहे हैं। मेरी आवाज़ आपको कम आ रही होगी बिकॉज मैंने GoPro पीछे हैंग किया है, और बट कोई चक्कर नहीं है, इसका भी कोई हल निकालते हैं माइक का। वैसे मेरा GoPro जो है ना वो व्लॉग बनाते टूट गया था, मैं एक दो दिन तक व्लॉग अपलोड करूंगा, मतलब ये व्लॉग उसके बाद नहीं आएगा। ये आ गया टूल प्लाजा, सो यहाँ पे हम करेंगे एक स्टॉप, गाड़ी है हमारे आगे वो गुजर जाए उसके बाद मैं स्टार्ट, उसके बाद फिर मैं चलूँगा। It doesn't work over there. Yeah. Come on. It'll work. Thank you. ये खुलता ही नहीं यार दबा। ये देख रहे हैं आज बॉर्डर इतना बिजी है, गाड़ियों वाले इस साइड से जा रहे हैं और ट्रकों वाले इस साइड पे, तो ये सारे लोग यूएस जा रहे हैं घूमने फिरने, बिकॉज वीकेंड है आज, तो आप देख ही सकते हैं कितना रश है।
Hello, officer. Thank you. आज तो ऑफिसर ने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। एक लेडी थी ऑफिसर, तो ऑफिसर होता है उसके मूड पे डिपेंड होता है। अगर तो ऑफिसर का मूड बहुत अच्छा है तो भाई सारा कुछ ओके रहता है। भले टाइम वेस्ट नहीं होता, वैसे भी सारा कुछ ही ओके रहता है। हम कौन सी इलीगल चीज़ें लेके जाते हैं। जब ऑफिसर हमसे पूछता है कि कोई चीज़ है डिक्लेयर करने के लिए, तो हम उसको बता देते हैं कि हमारे पास फूड है, ये है, जो कुछ भी हम लेके जा रहे होते हैं। वैसे भी ये डिपेंड करता है ड्राइवर के रैकेट के ऊपर, बिकॉज जब भी हम यहाँ से कोई चीज़ लेके जाते हैं और अगर हम बताते नहीं हैं इनको और अगर हमें पकड़ लेते हैं तो फिर रैकेट के अंदर ये डाल देते हैं, तो फिर ये कि वो तंग करते हैं हम, हर दफ़ा रोकते हैं, एक्सरों में भेजते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह कर लेते हैं। मैं ये कि मैं जब भी कोई चीज़ लेके आता हूँ तो मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ। जब US से वापस कनाडा आता हूँ तो कनाडा वालों को डिक्लेयर करता हूँ। लव्स के ट्रक साहब मैं बहुत कम रुकता हूँ, पीछे मैंने अपना ट्रक पार किया, आपको नजर आ रहा होगा लव्स का ट्रैक्टर। आज काफ़ी बंदे घर में वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं फैमिलीज के साथ और बहुत कम ट्रक हैं आज ट्रक साहब पे, और हम जा रहे हैं अपनी जॉब पे। सो ये लव्स का ट्रक है, इसके देख रहे हैं ना कितने ज़्यादा टायर हैं, कितने ज़्यादा एक्सल हैं। US में जो रूल है ना वो सिर्फ टेंडम ही है। टेंडम मीन्स जो मेरे ट्रेलर के टायर हैं ना, मतलब के 8 टायर, 4 एक साइड पे, 4 एक साइड पे, इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 तो भाई साहब जिस टैंक के टायर हैं, और आगे वाले तो सेपरेट होते हैं। मैं चलता हूँ अंदर, यहाँ से बनाते हैं अच्छी सी काफ़ी और फिर यहाँ से कुछ खा के निकलते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कर लेता हूँ ड्रिंक 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 लार्ज, ओ ये स्मॉल होगी, इसको क्या करना है, कैंसिल टू चेंज, ये लार्ज, 1 क्रीम 1 शुगर, क्रीम 2 कर लेता हूँ, डन। एक्सप्रेसो शॉट भी यार डलवाना था मुझे इस कॉफ़ी में, ये इसके अलहदा 80 सेंट चार्ज करते हैं। ये फ्री नहीं है भाई, पैसे लेते हैं, कितने मज़े से पूछ रहे हैं। टू गो कंप्लीट, भैया मुझे अपना कार्ड टैप करना। ऑर्डर नंबर 605। तो मैं ये सोचा था कि अब माइक का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ना है, यहाँ माइक हैंग करके ना मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर इनसाइड करूँ तो वो वाली क्वालिटी नहीं आती जो मैं चाहता हूँ। तो अभी मैंने माइक नहीं लगाया, आपको शोर पीछे रिलाइज़ हो रहा होगा, तो अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, बिकॉज़ ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तभी लोग वीडियोस देखते हैं, नहीं तो फिर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं, या मैं वो बड़ा रोड का जो माइक होता है ना या हैंग होता है वो वाला बाई कर लेता हूँ, नहीं तो फिर वो जो मेरे पास टिद्दू सा माइक है वो यहाँ लगा के ना, तो ऐसे ऐसे लगता है जब शर्ट ऐसे हो जाती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती मुझे। थैंक यू, ठीक है। तो काफ़ी हमारी आ चुकी है, अब चलते हैं ट्रक में जाके कुछ खाते बाते हैं, यहाँ से फिर निकलते हैं। तो चलें फिर अब ट्रक के अंदर। वैसे आप बताएं माइक के बगैर काम चल सकता है, ज़्यादा शोर तो नहीं पीछे आता। जैसे अभी भाई ने ट्रक स्टार्ट किया इसका भी शोर कैप्चर हुआ होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो अगर भाई ब्रेक रिलीज़ कर रहा है इसका भी शोर आया होगा,
ये सीन है, माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइक के बगैर। मैं वैसे एक बात बताता हूँ आपको बड़ी फ़नी सी, कि काफ़ी भाई मैसेज करते हैं कि भाई आप एक अच्छा सा माइक बाय करें। तो भाई डे वन से मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं तब से माइक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइक पर शर्ट के अंदर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, नज़र नहीं आता। लेकिन मसला ये है कि सम टाइम मैं माइक यूज़ नहीं करता। अब जैसे कि मैं यहाँ रुका हूँ, अब मैंने माइक यूज़ नहीं कर रहा तो आपको शोर महसूस हो रहा होगा, बिकॉज़ मुझे जल्दी से काफ़ी बाय कर लूँ और कुछ खाऊँ यहाँ से निकलूँ। तो अब माइक का कोई ना कोई यार आप मशवरा दें, अगर आपको किसी को कोई पता है ना चीज़। अब तार वाला माइक ना ले लूँ, आराम से तार लगाई यहाँ लगा लिया। अब जो मैं माइक लगाता हूँ वही मुझे चेक करना पड़ता है चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक दो दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने पूरा पूरा व्लॉग बना लिया और जब बाद में देखा है तो उसकी ऑडियो है वो कैप्चर ही नहीं हुई और वीडियो बन गई। तो मैं कह रहा था कि माइक का कोई ना कोई हल करना पड़ना फिर मुझे। सो भूख लगी है, क्या खाऊं। वैसे ही मैं फ्रेश चूरी बनवा के लाया था, यही खा लेता हूँ। यार इस ओवन की प्लेट ने मुझे बड़ा तंग किया था, जैसे ही कोई जंप लगता है ना तो ये इसकी जो प्लेट है ये फिक्स मुझे ऑल द टाइम करनी पड़ती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ड्राइव करके रुकाऊँ और इसकी प्लेट वहाँ ही फिक्स हो, तो इससे मैं बहुत तंग हूँ एक तो ये गाइस चोरी है। अगर आपने खानी है तो आप बना के खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। A few inches later. तो जो कई भाई पूछते हैं ना कि आप नमाज किधर पढ़ते हैं, तो इस जगह पे, मैं इस जगह की बात कर रहा था, सुबह इस जगह पे मैं नमाज पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ लेता हूँ। तो ये जगह वैसे क्लीन होती है बिकॉज यहाँ पे मैं शूज़ वहाँ उतार देता हूँ, और अगर मेरी वो चप्पल हो तो चप्पल यहाँ पड़ी होती है। तो शूज़ और चप्पल मैं अपना ये पीछे लेके नहीं आता, एक ये बेड होता है, एक इसके ऊपर होता है, इस साइड पर भी काफ़ी जगह होती है। ये ओवन, ये फ्रिज। कई भाई ये भी सोचते होंगे कि पता नहीं भाई फूड अपना कहाँ रखता है खाना। ये भी एक क्लोज़ेट है, इसके अंदर मेरे एग्स पड़े होते हैं, नमक शमक सारा कुछ, यू नो। और यहाँ पे कॉफ़ी का सामान होता है। एक भाई पूछा था भाई आप चाय नहीं पीते, सम टाइम मैं चाय भी बना लेता हूँ। वो सामने टी बैग्स पड़े हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। सनरूफ भी है भाई मेरे ट्रक में, सो फुली लोडेड है मेरा जो ट्रक है ना। उसके अलावा इस साइड पर भी क्लोज़ेट है, इस साइड पे मेरे नैपकिन वगैरह पड़े होते हैं, वो वेस्ट पड़ी हुई है। मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के प्रॉपर दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। इस साइड पे ऊपर मेरी कैप्स आपको नज़र आ रही होंगी, और ये नीचे भी इधर भी सामान ही मेरा पड़ा हुआ। सो ये ट्रक है ना, ये मेरे पास ही होता है, इसको और कोई यूज़ नहीं करता मेरे अलावा। तो कुछ ऐसा ट्रक होता है। इस साइड पर मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, और यहाँ टी वी मैं लगा सकता हूँ ला के। मेरा दिल था टी वी लगाऊँ लेकिन व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है उसकी वजह से टाइम ही नहीं होता टीवी का। तो जब टाइम मिलता है तो अपने व्लॉग्स एडिट कर लेता हूँ। वैसे यहाँ मैं टीवी ला के लगा सकता हूँ, ये कंपनी वालों ने लगवाया हुआ है इसके अंदर। और इस साइड पे दो विंडोज़ होती हैं, उनको खोल के दिखा देता हूँ। ये भी ये स्पीकर लगे हुए हैं, और ये पीछे सारे कंट्रोल होते हैं, यहाँ से ओवन ऑन होता है। सो अभी ओवन बंद हो गया ना, जैसे यहाँ से चलेगा ये पावर का इसका बटन है, सो यहाँ पावर आ जाएगी। अगर ट्रक बंद भी है तो ओवन चल भी जाता है। ये भाई बैक कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, ठोक ना दही मेरे ट्रेलर में। तीन चार पार्किंग परे भी हैं, पता नहीं भाई क्या कर रहा है, आई थिंक नया ड्राइवर होगा। जो भी है एनीवेज, तो मैं बता रहा था कि ये पीछे सारे इसके कंट्रोल हैं, फ़ैन के, एसी के, हीट के, ब्लूटूथ म्यूज़िक, पंखा लाइट, सारा कुछ यहाँ से ट्रक अनलॉक होता है, यहाँ से लॉक हो जाता है। ये जो बटन है ना ये लाइट का, इसके नीचे एक लाइट है ब्लू कलर की, वो मैं आपको रात में किस दिन दिखाऊंगा। यहाँ फ़ोन भी चार्ज कर सकता हूँ अपना, ये यूएसबी, और यहाँ पे वो प्लग लगा सकते हैं। उसके अलावा तो मेरे गोप्रो की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी, तो अब ये फ़ोन है। तो ये भाई ने फाइनली बैक कर ही लिया अपना ट्रक ट्रेलर, तो इसको मैं चार्ज पे लगा देता हूँ। वैसे मैं एक व्लॉग बनाया हुआ जिसके अंदर दिखाया था कि भाई मेरा गोप्रो टूट गया, ये आपको नज़र आ रहा है। बैटरी भी इसकी 5% रह गई है, 4%।
शुक्र है अभी सारा टूटा नहीं है, इसकी सिर्फ फ्रंट वाली जो स्क्रीन है ना वो अभी डैमेज हुई है। तो ठीक है गाइस, मैं आपको जाके मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे, जिधर भी फ्यूल अप करूँगा या जहाँ ब्रेक करूँगा, तो आपको वहाँ जाके मिलता हूँ। तब तक के लिए यहाँ से अब 1.5 घंटे की ड्राइव रह गई है, 1.5 घंटे बाद इंशाल्लाह अपनी लोकेशन पे पहुँचूंगा। माल ही है तो माल में जाके आराम से स्लीप करेंगे। ये गाइस, तो मैं पहुंच चुका था अपनी डिलीवरी लोकेशन। तो मेरे पीछे आपको एक हाईवे नजर आ रहा होगा, ये वाला हाईवे लेके आया हूँ, ये शिकागो में हूँ मैं इस टाइम। हाईवे 88 है बिल्कुल बैक पे मेरे, और आपको बोर्ड भी नजर आ रहा होगा शिकागो प्रीमियम आउटलेट मॉल का। तो इस मॉल में मेरी डिलीवरी है, तो रिसीवर से मेरी बात हो चुकी है, रिसीवर सुबह 6 बजे आएगा। तो वो बोल रहा था कि यहाँ बैक करके लगा दो इस डॉक पे, यहाँ पे 2 डॉक हैं, लेकिन उसने इस वाली पे बोला कि जहाँ पे ग्रीन लाइट चल रही है। तो काफ़ी बड़ा ये मॉल है, तो यहाँ पे करवाऊँगा मैं सुबह डिलीवरी, और इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, बिकॉज व्लॉग लंबा हो जाएगा। और काफ़ी भाई बोलते हैं कि भाई लंबी वीडियोस बनाया करें, आपकी वीडियोस 10-12 मिनट की होती हैं, ज़्यादा लंबी वीडियोस इस वजह से नहीं बनाता कि बंदे बोर हो जाते हैं। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये नेम है इस मॉल का, शिकागो प्रीमियम आउटलेट, और यहाँ मैंने बैक भी कर दी अपना ट्रक ट्रेलर। मुझे लगा था काफ़ी हार्ड बैक होगी, लेकिन आपके भाई ने इजीली यहाँ बैक कर दिया। अब यहाँ मज़े से सोऊंगा, यहाँ से मैंने पुल बैक किया ऐसे ला के।